हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बनाएंगे चॉकलेट और पुआर से पाफे, जो कि एक यूनिक और टेस्टी रेसिपी है। जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले। तो फिर चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 2 छोटी चम्मच घी। घी को गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया, अभी हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट, रोस्ट कर लेंगे। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए हैं, अभी हम इसमें डाल देंगे पोहा। 1 कप मैंने पोहा लिया है, पोहा को थोड़ी देर रोस्ट कर लेंगे। पोहा को मैंने करीबन 5 मिनट तक रोस्ट कर लिया है, अभी हम इसमें डाल देंगे दूध। 1/2 लीटर मैंने दूध लिया है। दूध को हम गाढ़ा होने तक पकाएंगे। दूध हमारा गाढ़ा हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप चीनी, मिक्स कर लेंगे। थोड़ी देर चीनी को हम पकाएंगे। खीर बनकर हमारी तैयार है, अभी हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे और भी टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें चॉकलेट ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर व्हिप क्रीम ली है, अभी हम इसमें डालेंगे चॉकलेट। चॉकलेट को मैंने मेल्ट कर लिया है, अभी हम मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट की जगह आप इसमें कोको पाउडर भी डाल सकते हो। हमारी चॉकलेट व्हिप क्रीम बनकर तैयार है, अभी हम इसे पाइपिंग बैग में भर लेंगे। पाइपिंग बैग में मैंने व्हिप क्रीम भर ली है, तो फिर चलिए पाफे डेकोरेट कर लेते हैं। ग्लास में डालेंगे पहले खीर, खीर के ऊपर हम करेंगे व्हिप क्रीम की कोटिंग। ऊपर हम डाल देंगे कलरफुल बॉल्स। हमारा टेस्टी पोहा पाफे बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ।